शाहजहाँपुर राजस्थान कंटिन्यू। इस वीडियो में दिवाली पर्व पर क्या राजस्थान शाहजहाँपुर को सजाए हैं इस वीडियो में आप देखेंगे। भगवान खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है, मुख्य मंदिर जो खाटू श्याम का राजस्थान में है। मुख्य मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिर यही है, दूसरा जो शाहजहाँपुर में बना हुआ है। सरप्राइज ये है कि मैं शाहजहाँपुर में जा रहा हूँ। दिवाली का आज दिन है, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और शाहजहाँपुर राजस्थान के अलवर ज़िले के एक ग्राम सभा है, जो चूँकि राजस्थान एक बहुत बड़े भूभाग में क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसा कि जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान है, तो वहाँ के ज़िले भी बहुत बड़े होते हैं, फलस्वरूप ग्राम भी बड़े होते हैं। यहाँ का ग्राम है जहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ, यानी घूमने आया हूँ, तो मैं सोचा यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सजाए हैं। खाटू श्याम मंदिर है, सभी का व्यू देखिए, नज़ारा क्या है, बहुत अद्भुत है। तो दिवाली की अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। 4 बजे से वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, 1 घंटे में लमसम शूट हो जाएगा। बाकी 5 बजे 5 बजे 5:30 बजे के बाद फिर भजन कीर्तन और राम जी का आगमन होगा, तो कहीं ना कहीं दीप उत्सव होगा। जय श्री राम। भगवान खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है, मुख्य मंदिर जो खाटू श्याम का राजस्थान में है। मुख्य मंदिर के बाद सबसे प्राचीन मंदिर यही है, दूसरा जो शाहजहाँपुर में बना हुआ है। चलिए अंदर भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से शुरू होता है, और मैं चाह रहा था कि भगवान खाटू श्याम के चरणों की धूल से ही ब्लॉगिंग की शुरुआत हो, इसलिए दर्शन पहले करेंगे, उसके बाद ब्लॉग को शुरू करेंगे। भगवान खाटू श्याम का रात्रि में मंदिर किस तरह सजाया गया है आप देख सकते हैं, लाइटिंग क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। लेकिन मंदिर में कुछ काम चल रहा है, जिसके वजह से खाटू श्याम जी के दर्शन आप इस आधार पर नहीं कर सकते। शाहजहाँपुर की मार्केट यहीं से शुरू होती है, आप देख सकते हैं पीछे और भी सामान दिख रही है, मैं आगे ले चल रहा हूँ, दिखाऊंगा सारे सीन। शाहजहाँपुर की मार्केट यहाँ से शुरू हो रही है, काफ़ी सामान है यहाँ अंदर, काफ़ी सजाए हैं सब, वही दिखाने के लिए मैं ब्लॉग को शुरू किया हूँ। अभी इधर देख सकते हैं चूड़ी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो हर चीज़ यहाँ पे सुविधाएं मिल सकती है, जितने भी श्रृंगार के सामान हैं और भी चीज़ें, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। शाहजहाँपुर में खासकर श्रृंगार की जितने भी दुकानें हैं सब एक ही पास आपको मिल जाएंगे, जिस पे खासकर औरतें भी बैठती हैं। देखिए दुकान में केवल औरतें ही बैठती हैं, ये विशेष अच्छी बातें हैं। इधर सारे चूड़ी और विशारता यानी श्रृंगार की सारी सामानें आपको मिल जाती है, बहुत अद्भुत लगता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ एक ही प्रकार की कई चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए कपड़ा लड़कियाँ शर्मा रही हैं, बच्चियाँ यहाँ का, यहाँ पे आप छोटे छोटे कपड़े चीज़ें यहाँ पे मिल सकता है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फूल माला से सजाया गया दुकानें हैं। चारों तरफ यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है, क्योंकि आज दिवाली का पर्व है। देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाए हैं दुकान को, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। ये श्रृंगार की आभूषण की दुकानें थी, और यहाँ पे देखिए घने घने एकदम घने सजाए हैं सब, कितना सुंदर। ऊपर देखिए मेरे फूलों की मालाएं, क्या गजब लग रहा है। देखिए सारे फूलों की मालाएँ, आर्टिफिशियल फूल भी हैं, कुछ रियल फूल भी हैं। हमें तो राजस्थान का यह शाहजहाँपुर की मार्केट काफ़ी अच्छी लगी, हर चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही है दुकानों पे, आप हर दुकानों पे कोई बच्चियाँ बच्चे आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे जो सामान ले रहे हैं, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। देखिए भीड़ लगी है, कुछ ताऊ लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, देख लीजिए साड़ी की ये दुकानें थी, इधर चप्पल और विशारता की सामानें भी हैं, और इधर सारे लोग छोटे छोटे सामान, ताले वगैरह का दुकान है, झाड़ू की दुकानें हैं यहाँ। भगवान का मंदिर है हनुमान जी का, जय श्री राम जय बजरंग बली। ये शाहजहाँपुर के मार्केट में ही स्थित है, यहाँ पे बीच में ही मंदिर है, और बाकी चारों तरफ मार्केट फैला है। जैसा कि मैं बताया हूँ कि यहाँ की ग्राम सभा भी बहुत बड़ी है, तो काफ़ी अच्छे से सजाए हैं, मार्केट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का, इसीलिए मैं कैप्चर कर रहा हूँ। देखिए अभी और सामान दिखा रहा हूँ, यहाँ बर्तन की सामान आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब इधर मुड़ रहा हूँ, आगे भी दुकानें हैं, लेकिन सभी का कैप्चर करना वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना अच्छी तरीके से सजाए हैं, काफ़ी खूबसूरत है ये व्यू, ये दिवाली पर्व पर काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर आर्टिफिशियल फूलों के साथ साथ नीचे तमाम माता जी के चरण के तस्वीरें भी हैं, यानी चरण माता लक्ष्मी जी के चरण बिंदु
यहाँ पे देखिए तमाम तस्वीरें हैं और तमाम फ़ोटो भी यहाँ पे लोग बेच रहे हैं, सजाए हैं। देखिए माता लक्ष्मी जी की कलश वगैरह भी तस्वीर में शामिल है, जय माता दी भी लिखा हुआ है। ये चिपकाने वाला है जो दीवारों पे चिपका। यहाँ देखिए झाड़ू की विशेष दुकान है, जबकि धनतेरस पे झाड़ू का बहुत लेना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं अगर झाड़ू लिया जाए तो। पीछे बर्तन की दुकानें, ये है आपके पटाखे के दुकान, जो पटाखे आप लेते हैं। इधर देखिए तमाम दुकानें ऐसी हैं जो सजी हुई हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे आज दिवाली पर्व पर लोग बेच रहे हैं। हालांकि ऐसा हर दिन देखने को नहीं मिलता, लेकिन दिवाली के दिन खासकर ये विशेष तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कैमरा लेकर चारों तरफ जाने पर कुछ बच्चे बच्चा बड़े लोग भी नोटिस कर रहे थे मेरे को कि मैं क्या कर रहा था। इधर देखिए सारी चीज़ें, और ख़ास बात यह है कि मैक्सिमम दुकानों में औरतें भी बैठती हैं, जिससे लड़कियों और औरतों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती सामान लेने में। दिवाली के इस पर्व पर काफ़ी यहाँ देख सकते अशोक रेडीमेड यहाँ पे कपड़े वगैरह मिलते हैं। आराम से आप बिल्कुल सारी चीज़ें ले सकते हैं, रेडीमेड कपड़े पर सिलवाना हो कपड़े आराम से। यह मार्केट मुझे अच्छा लगा। मिष्ठान की दुकानें हैं, यहाँ पे आप मिठाई ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिवाली पर्व पर विशेष मिठाई रखी गई है, हालांकि मिठाई आज दिवाली है तो बहुत महंगा मिला। ये देखिए जींस वगैरह की दुकानें हैं, यहाँ पे किराना की दुकानें कह सकते हैं। इस पर हर चीज़ प्रकार की आपको आटा से लेकर सारी चीज़ें मिल सकती है। ये गोल्डन कहीं ना कहीं है, यहाँ बर्तन बिकता है। यहाँ पे बर्तन काफ़ी चंचल बर्तन भंडार है, काफ़ी मात्रा में बर्तन यहाँ देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य है, इसलिए कैप्चर करना। यहाँ जूते उते और यहाँ पे तमाम तरीके सजाया गया, बिंदी वगैरह, ये माता जी के फ़ोटो, तमाम देवी देवताओं के फ़ोटो यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं सोचा इसको भी कैप्चर कर लूँ और आपको इसे भी दिखाऊं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते, कुछ महान पुरुषों के, कुछ रंगीन, कुछ हीरो एक्टर के, और कुछ तमाम तस्वीरें जो देवी देवताओं के इसमें अंकित हैं आप देख सकते हैं। इधर साइड में ही जूता चप्पल की चीज़ें थी, और यहाँ पर भी आप वही चीज़ें देख सकते हैं कि सेकेंड दुकानों में भी तस्वीरें लगी हुई है। और आगे काफ़ी दुकानें ऐसे ही हैं जो जूता चप्पल और तमाम चीज़ें कपड़ी कपड़ा इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित यहाँ पे दुकानें भी मिल रही, क्योंकि दिवाली पे जुगनी जुगमगु ये सारी चीज़ों का बहुत प्रचलन होता है जलाने के लिए पटाखे वगैरह का, इसलिए इधर दुकानें जो है जुगनू वगैरह की काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। यहाँ तमाम चीज़ें आपको दिखाने को ही मिल रही है, जो फ़ोटो वगैरह होते हैं, जो सजावटी सामान है दिवाली पे घर पे सजाया जाने वाला। इधर झाड़ू बाल्टी वगैरह से संबंधित जितने दुकानें हैं, घड़ी से संबंधित दुकानें हैं, सब आपको देखने को प्राप्त हो रही हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से दुकानों को सजाया गया है, काफ़ी मात्रा में बाहर भी सामानें रखी हुई हैं। चप्पल की ये दुकानें बहुत बड़ी है, आप इधर देख लीजिए, काफ़ी लोग नोटिस भी कर रहे हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है। कुछ लोग तो पूछे कि वीडियो शूट कर रहे हैं। इधर पीतल तांबे के और स्टील के बर्तन का भी दुकान, काफ़ी दुकानें हैं ऐसी दुकानें जो देखने को मिल जाएगी। हम हर मार्केट में घूमने की कोशिश किया हूँ, आपको दृश्य दिखाने की कोशिश किया हूँ। तमाम बर्तन की दुकानें इधर एक ही आसपास में आपको मिल जाएगी, चार दुकानें पांच दुकानें, तो अच्छा लगता है चीज़ें कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, हर सामान यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। काफ़ी दिवाली के पर्व है तो सजाया भी गया है, काफ़ी मात्रा में और सामान भी लाया गया है। इधर देख लीजिए आप, और फोटो तस्वीरें तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जो दुकानें लगी हुई है, खासकर दिवाली पर्व पर ही है। नहीं तो ये एक्स्ट्रा दुकानें जो आपको दिख रही है, ये दुकानें नहीं रहती है, ये केवल दिवाली पर्व पर है। बाकी जो दुकानें एक कमरे के रूप में है, वो दुकानें तो हमेशा ही रहती है यहाँ पे। बाकी दुकानें तो यहाँ सही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा दुकानें हैं जो आप इस किनारे पे ठेले के मदद से लगाए हैं, ये दुकानें हमेशा देखने को नहीं मिलती है, केवल इस दिवाली के पर्व के कारण हुआ है। लेकिन यह नज़ारा अद्भुत है, रमणीय है, इसलिए मैं कैप्चर करके आप लोगों को दिखाना चाहा। कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर, कि शाहजहाँपुर का यह मार्केट कैसा लगा। जैसा कि दिवाली पर्व है तो दिए हुए का भी प्रचलन होता है, फूल मालाओं का भी होता है, पूजन होता है, तमाम भगवान की पूजन विधिवत होती है, तो निश्चित रूप से आप दिए वगैरह का प्रयोग करेंगे, इसलिए दिए की भी दुकानें काफ़ी मात्रा में है। इधर ये है मार्केट का नज़ारा, जहाँ पे सब्जी वगैरह मिलता है। कितना भीड़ है भाई, गाड़ियों की गड़गड़ाहट एकदम सुनाई दे रही है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, इसको भी कैप्चर कर ले रहा हूँ। ये मुख्य
रोड पे ही ये सारी दुकानें हैं जो सारी चीज़ें खाने पीने से संबंधित, और इस समय दिवाली पर्व है तो सजावटी सामानों से सब। शाहजहाँपुर की मेन रोड है जो मुख्य सड़कों में मिलाती है, जो हाईवे पे मिलाती है, और यहाँ पे चारों तरफ देख लीजिए दुकानें किस तरह सजी है, क्या दिवाली की खुशियाँ है, गजब का है। इसलिए मैं इसको सभी को कैप्चर करूँगा। देखिए सजाए हैं, टेंट वगैरह लगाए हैं, यहाँ पे फल वगैरह, फ्रूट, प्रसाद, सभी चीज़ें मिल जाती है। आप नीचे से दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फल फ्रूट भी मिलता है आराम से, आप देख लीजिए सारी चीज़ें। यहाँ पे फलों से संबंधित दुकानें काफ़ी मात्रा में हैं, साथ में फूले भी हैं, और तमाम फल की दुकानें आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ मीठा की दुकानें, ये मीठा की दुकानें हैं जो बढ़िया बढ़िया मीठा आप यहाँ ले सकते हैं। टेंट वेंट लगा हुआ है, यहाँ पर सजाए हुए हैं पूरी दुकान को, और यहाँ पर हरी सब्जियाँ भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं साग गोभी। देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर दृश्य है। इसके आगे भी काफ़ी दुकानें सजी हुई हैं, काफ़ी दुकानें हैं। हालांकि शाहजहाँपुर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा विकसित है कह सकते हैं इन मामलों में, क्योंकि इतने चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ चीज़ें थोड़ी सी महंगी देखने को मिलती है, लेकिन सुंदर तरीके से रहती है, कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आगे भी दुकानें हैं, लेकिन आगे नहीं जा रहा हूँ, पूरा कैप्चर नहीं करना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ से चीज़ें थोड़ी दौड़ चूक करके खाटू श्याम जी का दर्शन करा के शाम को जब पट खुलेगा तो वीडियो को समाप्त करूँगा, वो वीडियो पहले ही क्लिक ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी मीठा यहाँ पे बिक रहा था, ये ऐसी दुकान थी जो सबसे बड़ी शाहजहाँपुर की मिठाई की दुकानें थी, बहुत बड़ी, कईयों आदमी बेचने वाले लगे थे, अब पैकिंग करने वाले कई लोग लगे थे, तो मीठा की दुकानें काफ़ी बड़ी थी ये। इसके आगे ही इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी, आरओ वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे मिल रहा था इलेक्ट्रॉनिक से। जैसे कि आप जानते हैं दिवाली हर चीज़ का ऑफर आता है, तो आप कम दामों पर ले सकते हैं। धनतेरस के दिनों पर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, बर्गर वगैरह, मोमोज वगैरह खाने की ये दुकानें हैं आसपास में। यहाँ पे फूल माला, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें भी मिल रही हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे दिवाली के वस्तुएँ देखने को हमें मिली है, काफ़ी रूप से सजा हुआ देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये अंदर का मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर जय माता दी, और ये अंदर की दुकानें हैं आप देख सकते हैं, जो विशारता यानी श्रृंगार से संबंधित चीज़ें भी आप देखने को मिल जाएगी। प्रत्येक दुकानें पे देखेंगे, चप्पल की दुकानें देखेंगे कि औरतें ज़्यादा बैठी होंगी, देखिए सभी औरतें बैठी हैं दुकानों में, औरत चलाती है, इससे ये होता है कि आप आसानी से ले सकते हैं बिना हिचकिचाहट से, ये देख सकते हैं। खासकर ये फ़ायदा भी होता है, औरतों से ज़्यादा आप बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए तो अगर आप लड़के हैं तो औरतों से जितना मांगेंगे उतना ही देना पड़ जाएगा आपको। तो अच्छी तरीके से सजाया गया है शाहजहाँपुर का दुकानें, हमें बेहद अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये चप्पल जूते और गन्ने वगैरह भी बिक रहे थे क्योंकि पूजन होता है। फाइनली दोस्तों मैं एक दीप ले लिया, जो हाथों में देख रहे हैं कितना सुंदर दीप है जो गढ़ के बनाया गया है, तो ये काफ़ी सुंदर दीप है, और ये ले लिया इसकी बाती जलाने के लिए। 10 रुपये की ये भी है, 10 की पैकेट क्योंकि खुले में मिल नहीं रही थी, और ये दीप भी 10 रुपये का मिला है हमें मार्केट से। चूँकि दिवाली पर्व है तो सारी चीज़ें महंगी होती है, मीठा भी जितने मिष्ठान हैं काफ़ी मार्केट में मिष्ठान की दुकानें हैं, दीप की भी कई दुकानें हैं, लेकिन चीज़ें महंगी है। मिष्ठान भी ले लिया हूँ 1/2 kg क्योंकि खुले में थोड़ा सा मिलना दुर्लभ होता है, तो मैं ले लिया हूँ 1/2 kg मिष्ठान भी ले लिया हूँ। एक इसमें जो तेल डाला जाता है वो 1/2 kg का तेल भी ले लिया हूँ डालने के लिए, जलाने के लिए। 5:30 बज रहे हैं अभी, मैं सर्च कर रहा हूँ कि दीप उत्सव कब से है, तो दीप उत्सव के समय ही दीप जलाएंगे, भजन कीर्तन होगा, भगवान राम जी की खुशी है, महिमा है, भगवान की कृपा हम पे सदैव बनी रहे, मेरे परिवार वालों पे सदैव बनी रहे। और जो वीडियो देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, प्यारा सा कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और लास्ट में देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ का सीन, क्या चीज़ें और उत्सव हो रहा है, पटाखे वगैरह क्या जलाए जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। पटाखे वगैरह की मार्केट भी काफ़ी लगी थी, लेकिन हमने, क्योंकि मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं जला नहीं पाता, मुझे डर लगता है, तो शांतिपूर्वक मैं दिवाली मनाऊँगा। बोलिए जय श्री राम। भगवान की आरती भी हो गई, माता लक्ष्मी जी की आरती भी हो गई,
और यहाँ देख सकते हैं आप दीप प्रज्वलित कर दिया हूँ मैं, उसके बाद आरती पूजन भी हो गया। अब दीप को हालांकि रूम में पूजन हो रहा था, अब रूम से बाहर कहा जाता है गेट के ठीक सामने रखा जाता है, ये चीज़ें शुभ होती है, तो मैं ठीक गेट के सामने ये दीप प्रज्वलित हुआ रख दे रहा हूँ। बोले जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता। दीप को हाथ में ले लिया, अब गेट के बाहर रखने जा रहा हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, जय श्री राम। गेट के सामने रख दिया। यह कॉलेज का एक फील्ड है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से सजाए हैं, कुछ इतनी अच्छी तरीके से सजाए हैं, शायद कुछ लिखे भी हैं लेकिन हम बाहर हैं तो समझ में नहीं है, शायद राम नाम लिखे होंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से सजाए हैं, देख लीजिए कितना है, पूरा फील्ड भर दिए दीप से, एक जगमगाता हुआ दीप, गजब लग रहा है। रात्रि की सीन यहाँ यही है, और पटाखे वटाखे फूट रहे हैं, आवाज़ें भी सुन रहे हैं, लेकिन जितना शोर शराबा हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में होता है, उतना शोर शराबा राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक है, अभी शुरू हो रही है। कुछ बंदे हमसे मिले थे राजस्थान के ही, जो प्रॉपर मिल रहे हैं यहाँ पे, देखिए राजस्थान के जो प्रॉपर मिल रहे हैं, वो सबका ना अभी पूजा चल रहा है, आधे घंटे बाद होगा, यानी अभी रात में ये लोग ज़्यादा पटाखे उटाखे फोड़ते, हो सकता है देखने को मिलेगा शायद, मैं तो बना ही हूँ कि कुछ अलग दिखाऊँ आपको राजस्थान में, तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। मैंने सोचा राजस्थान के शाहजहाँपुर में दिवाली बड़ी धूमधाम से नहीं मनाई जाती है, हमारे तरफ ही केवल धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन पिछले 45 मिनट से एकदम धड़ाका भड़ाका बम भड़ाका इतना बजा रहे हैं सब कि कहे मान के नहीं, मान गए दिवाली हर जगह बढ़िया से मनाई जा रही है। आप सुन भी रहे होंगे, आवाज़ें सुनाई दे रही है, पिछले आधे घंटे से एकदम मारे लगातार बम फोड़ रहे हैं लगातार दिवाली पे, तो ये कहना मेरा गलत था कि राजस्थान में अच्छे से दिवाली नहीं मनाई जाती है, दिवाली का क्रेज हर जगह है। बोलिए जय श्री राम। छत पे मैं चढ़ा पल भर के लिए, पूरा धुआं धुआं हो गया, इतना भड़ाका इतना बम वो कर रहे हैं, सब फोड़ रहे हैं, गजब का। तो चलिए वो पूरे चीज़ें दिखाने, अगर दिखाने बैठ गया तो समझिए कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे ही 16 से 17 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करता हूँ। राजस्थान में धूमधाम से मनाया जा रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय किए होंगे, हालांकि दिवाली लमसम 5 दिनों तक चलती है, तो दिवाली का इंजॉय लेते रहिए आगे भी। बाकी जय श्री राम, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।